तुम्हारी वानर सेना जो है वो मोहल्ले में जाके क्रिकेट खेल रही थी और उन्होंने कितनों के कांच तोड़ दिए, तुमको पता है? He's right. पूरा बर्बाद किया, इसके लिए पूरा एरिया वालों को इधर भेजा। हम एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। हाँ नहीं देगा? नहीं, अभी देखना हम क्या करते हैं। तुम्हारे घर के सामने हम भूख हड़ताल करेगा, भूख हड़ताल करेगा, अपना जान दे देगा, देख लेंगे तुम। हमारा मांग रजनी अन्ना का कसम, जब तक तुम्हारा पूरा फैमिली राइटिंग में सॉरी नहीं देगा, पूरा एरिया के लोग तुमसे टॉकिंग ईटिंग बंद रखेगा। ऐसा होगा? अगर कल सुबह तक तुम लोगों ने माफी नहीं मांगी ना तो हम ये घर छोड़ के साधु बाबा बन जाएंगे। हेलो निरंजन, हेलो निरंजन। तो क्या तुम लोगों ने वाकई ये तय कर लिया है कि तुम लोग मोहल्ले वालों से माफी नहीं मांगोगी? ना, हाँ नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारी गलती ना से मोहल्ले वालों की गलती है। अच्छा, तो कांच तुम लोगों ने थोड़ा, लेकिन गलती मोहल्ले वालों की है? हाँ, अब मोहल्ले वालों ने कोई प्लेग्राउंड नहीं बनाया है तो इसमें हमारी गलती है क्या? अगर हमें खेलना है तो बताओ कहाँ खेलेंगे? हाँ पापा, और वैसे भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली हर एरिया में एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। अब जब हम मोहल्ले की गली में क्रिकेट खेलेंगे तो कांच क्या कहीं और के टूटेंगे पापा। इसलिए हम पांच माफी नहीं मांगेंगे। तो ठीक है, हम सत्य की तलाश में प्रस्थान करते हैं। अयो दद्दा, ये बच्चों की तरह बच्चों के सामने नाटक मत कीजिए। हाँ, चुपचाप से अंदर जाइए, कपड़े बदलिए, शर्ट पैंट पहनिए और जाइए ऑफिस। जाइए ऑफिस ना भी ना ना, अब तो एक ही कार्य है, हमारा बाबा बनना अनिवार्य है। अरे एक मिनट, और मोहल्ले वालों की वजह से आप क्यों घर छोड़ के जा रहे हैं डैडी? हाँ। अब इन रिश्ते नातों के शब्दों का उपयोग मत करो लड़के। बाबा का कोई बाप नहीं होता, बाबा की कोई माँ नहीं होती। तो क्या आप इंटरनेट से डाउनलोड हुए थे? बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय। आनंद ना, ये गेटअप चेंज करके कपड़ा कलरफुल पहन के फैंसी ड्रेस में जाता क्या? नहीं, इन कन्याओं ने क्षमा मांगने से इनकार कर दिया है, इसलिए हम संन्यास लेने जा रहे हैं। सुना तूने? किधर से सुनेगा? हमारा बापू थारी वजह से, तुम सबकी वजह से घर छोड़ के जा रहा था। अब अगर तूने इनको ना रोका ना तो इस मोहल्ले में बनारस लेवल का ऐसा इंटर मोहल्ला क्रिकेट मैच खेला जाएगा, ऐसा मैच खेला जाएगा कि क्या क्या फूटेगा और क्या क्या टूटेगा, यो तू खुद ही समझ लेना। अयो अयो, आनंद ना, छोटे छोटे बात पर गुस्सा करने का नहीं, इतना बड़ा फैसला करने क्या जरूरत है? आपके रहते हुए हमारा कांच तोड़ते हैं, आपके जाने के बाद यहाँ क्या तोड़ेगा? अरे वो तो टूटने के बाद ही पता चलेगा थारे को। वाओ, टूटने फूटने की आवाज तो मुझे बहुत ही ज्यादा म्यूजिकल लगती है। आई रियली एंजॉय इट। आनंद ना मत जाओ, आपके जाने के बाद ये चौकरी लोग से पूरा एरिया का रक्षा कौन करेगा जी? अरे आप चिंतित ना हो, भगवान आपकी पूरी रक्षा करेंगे। भगवान, रजनीकांत को हर चीज में बीच में लाने का क्या जरूरत है? रजनीकांत, छोटे छोटे काम के लिए रजनी ने किधर से आएगा? बहुत काम है उनको चेन्नई में, बाकी को समझो। लोंगी नीच, आयो आयो दद्दा, स्वामी भैया आप ही किसी तरह रोक लीजिए ना इनको। हाँ भाई, एक रोको। रोकेगा मैं इनको रोकेगा। आज पूरा एरिया मेरा असली रूप देखेगा रे, आज मालूम पड़ेगा कि मैं कैसा आदमी। देखो, मत जाओ, मत जाओ, प्लीज डोंट गो, हम बर्बाद हो जाएगा। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, हम जा रहे हैं।
के लिए कि आखिर बापू गया किधर? अरे यार, हेलो, हाँ, अच्छा, अच्छा, क्या बात कर रहा है भाई? चल ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू भाई, खुश हो जाओ, तकवार भाई का फोन था, बापू का पता चल गया। पे अरे गंगा किनारे वाले खंडर में है अपना बापू। आयो दादा, डर भी अब तो जो भी हो जाए उनको ना घर किसी भी तरह से ले आओ, हमसे ना उनका वो बीना 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 सुने बिना मन नहीं लगता। मम्मी तू ना टेंशन ना ले ना ले। और सुनो बहनों, हमारे पास ना एक गजब आइडिया से अपना काम लो। अरे तो मच्छर मारने के चक्कर में तो हड्डी टूट जाएगी। ओ भगवान, ये मच्छरों ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। एजी, ओह, आपको याद है शादी के मंडप पर भी आपके और हमारे साथ मच्छरों ने भी साथ फेरे लिए थे, तो यहाँ कैसे नहीं होंगे मच्छर? अरे तुम यहाँ भी आ गई, अब यहाँ क्या करने आई हो? कुछ नहीं, आपको वार्निंग देने आए। क्या? इस खंडर में ना एक भूतों की फैमिली रहती है, आप जरा उनसे बच के रहिएगा। कोई ऐसे वैसे भूत नहीं है, इन भूतों को ना लोगों के गर्दन पर दांत लगाकर खून पीने का बड़ा शौक है। वो क्या हुआ ना, एक बार हम सब मिलकर ना एक फिल्म देखने गए थे, अब उनको देखना था टैक्स फ्री फिल्म, हम टैक्स फ्री फिल्म नहीं देखते। क्या है? अरे आजकल ना उन्हीं फिल्मों का एंटरटेनमेंट टैक्स माफ किया जाता है जिसमें कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं होता है। आपका लॉजिक लगता है वो लोग आ रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, हम चलते हैं, बाय। संभल कर रहिएगा, भगवान ने ना भूतनियों को स्पेशल पावर दे रखी है ताकि मरने के बाद भी अपने पति को सता सके। तू भूतों के अड्डे पर क्या कर रहा है? तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ लेकर आई है। अरे हमको नहीं मालूम था ये आप लोगों का घर है, वरना हम आपके रेजिडेंस पर आते ही नहीं। अगर तुम यहाँ नहीं आता तो हमको तुम्हारा खून का टेस्ट लेने में कैसे मजा आता? खून? अरे हमारी बेटियों ने जीवन भर हमारा खून चूस चूस के कुछ छोड़ा ही नहीं है, आप लोगों को हमसे कुछ नहीं मिल पाएगा पीने के लिए। आप लोग प्लीज जाइए, हमको थोड़ा सो लेने दीजिए। हम लोग अब एक ही शर्त पे जा सकते हैं। कौन सी शर्त? फौरन अपने घर जाओ और तुरंत स्वीटी की शादी कर दो। अब समझे ये भूत मंडली दरअसल है कौन, अभी ठीक करते हैं। Woo!
कीमत थी। तुम्हारी कंप्लेंट तो मैं बूटे मुक्ति मोर्चा में करूंगी। अच्छा तो ये मोर्चा वाली भी आई है खड़ी। अरे भूतनियों मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गई, मेरा चश्मा गिर गया। अच्छा तो चश्मे वाले की प्रॉब्लम यहाँ भी आ खड़ी है। क्या हो रहा है? जो हमारे अड्डे पे आवे से उसकी खबर मंडे अपने हॉकी स्टिक से लेवे से। लगता है पूरी पलटन यहाँ पर आ गई है ना, आप ही लेकर आते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चलो बापू बापू, अरे बापू। जो बच्चे बाप को बेवकूफ समझते हैं ना, उनसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है दुनिया में। लेकिन जारी, आपको पता कैसे लगा कि ये हम लोग हैं? अरे सियार का चाहे कितना भी रंग बदल दो, लेकिन वो उ, 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 करना नहीं भूलता। ठीक उसी तरह तुम लोग भूतनी तो बन गई, लेकिन अपना डायलॉग बोलना नहीं भूली। आइटम कौन है? अरे तुम लोगों को यहाँ पे पप्पू स्वामी ने भेजा है क्या? अयो! ये एवरी टाइम मेरा नाम गलत लेने की कसम खाया। मेरा नाम राम स्वामी कृष्ण स्वामी। अरे चुप! यू स्वामी? अयो यू स्वामी? यस आई सॉ यू। अरे तुम जो भी हो स्वामी, लेकिन तुम्हें हमारी सेना को लेकर यहाँ पर आकर भूत भूत खेलने की क्या जरूरत थी? जोक जोक, भूत भूत खेलने नहीं आया, भूत भूत खेलने नहीं आया। आपको थोड़ा मनाने के लिए आया, गुस्सा तू को घर चलो, हम आपको लेने के लिए चलो। हाँ प्लीज। अरे हम वापस नहीं जा सकते जब तक ये लोग माफी नहीं मांगेंगे। आना धन्ना, ये चौकरे लोग माफी मांग चुके हैं, हम माफ कर चुके हैं। हमने कब मांगी माफी? माफी हुई मांग नहीं, फिर भी हम दिया, फिर भी दिया माफी। माफ करो, जाओ जाओ जाओ। हम लोग फेंके माफी नहीं लेते। जैसे दीवार फिर में अमिताभ बच्चन अंकल ने फेंके हुए पैसे नहीं लिए थे वैसे ही। अरे चुप, तुम लोग सब के सब यहाँ से वापस चले जाओ, वरना हमसे बुरा भूत कोई नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, आपसे बुरा भूत कोई नहीं होगा। ये मैं आपको देख के ना भविष्य का भूत समझता, सबसे बड़ा भूत, बाकी तुम देखने का। अरे चुप, आए पड़े चुप। कैसे मुत्तु स्वामी होता है इस दुनिया में? मुत्तु स्वामी नहीं, हमारा नाम राम स्वामी कृष्ण स्वामी मुत्तु स्वामी। वहां जाकर भी सुन लिया, कल पूरी रात हम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, भूतों के डर से नहीं, अरे अपने बच्चों के डर से। कुछ पता नहीं कब क्या कर बैठे। अब हमको ये भी पता नहीं है कि आज का दिन कैसे बीतेगा। बाबा कौन है? बाबा जय राम जी की, बाबा जय राम जी की। जय राम जी की कौन हो भाई? ये सिरसा हाई आने वाले बाबा आप ही हैं ना? नहीं नहीं, सिरसा तो सब नहीं, हम तो बनारस वाले बाबा। नहीं नहीं, हमको पता है सिरसा हरियाणा वाले बाबा आप ही हैं, इसीलिए तो आप दूसरे की बीवी को गायब कर सकते हैं। बाबा मेरी भी एक बीवी है, उसको गायब कर दो। अरे हमारी तो दो दो बीवियां हैं, जिनकी वजह से हम खुद गायब हुए पड़े हैं। बाबा जो साझा करने के बाद भी आप जिंदा कैसे? अरे वो हम आपको बाद में बताएंगे, आप अपनी समस्या बताइए। अरे बाबा मेरी समस्या बड़ी विचित्र है बाबा, बहुत विचित्र है बाबा। मेरी बीबी को झोने की आदत है, बाद में झोला
कई बार तो बिना वाद के भी धो देती है बाबा। तुम्हें? नहीं हमें नहीं बाबा, उसे कपड़े धोने का बहुत शौक है बाबा। क्या बताऊं बाबा, उसे धोने का इतना शौक है, घर में कपड़े देखते ही धो डालती है। मैं धुले धुलाए कपड़े अलमारी में रखता हूँ, वो वापस निकाल के फिर धो देती है। बाबा हर दो दिन में घर की चादरें, बेडशीट, तकिए की खोली, खिड़की के पर्दे धो डालती है। बाबा अभी पिछले सप्ताह हम दिल्ली गए थे, जिस होटल में ठहरे ना बाबा, उस होटल के सारे पर्दे, कंबल, चादरें निकाल निकाल के धो दी। और अब उसकी नजर है ना हमारे घर के सामने तिवारी जी के घर के पर्दों के ऊपर। अरे उसको एक लॉन्ड्री खोल कर दे दो। बस जी जी बाबा, लॉन्ड्री भी खोल के दी थी मैंने। हाँ। उसने क्या किया मालूम है, एक 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 कंप्लीट कस्टमर को धो डाला बाबा। वो लॉन्ड्री मेरे नाम पर थी, पुलिस वालों ने मेरे को धो डाला बाबा। बाबा मैंने सुना बाबा, आप जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। आप एक काम करो, मेरी बीवी को गायब कर लो। देखो जितना तुम हमको पावरफुल समझ रहे हो ना, उतने पावरफुल हम हैं ना। आपने अगर मेरी बीवी को गायब नहीं किया ना बाबा, हाँ। तो मैं बाबा आपके कदमों में नहीं अपनी अपनी जान दे दूंगा बाबा। रुको रुको रुको, बस 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 वहीं रुको। अच्छा ठीक है, दो दिनों के बाद हाँ तुम्हारी बीवी स्वयं अपने आप ही घर छोड़कर चली जाएगी। बस ए सस्ती बाबा, ए थैंक यू वेरी मच बाबा। अच्छा बाबा अब मैं चलता हूँ। हाँ। दो दिन के बाद बाबा मैं वापस आऊंगा। हाँ। आपके लिए दो लेके बीवी बीवी नहीं बाबा। हाँ। दो बोतल आपको थैंक यू बोलने के लिए। अच्छा बाबा ठीक है ठीक है, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। हे भगवान, लगता है दो दिन के बाद हमको ये अड्डा खाली करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई आनंद माथुर, हम जो कहते हैं वो सत्य होता है, ये अफवाह फैलाई किसने? हमारे बच्चों ने। क्या? उन्होंने जंगल के कोने कोने में पोस्टर चिपकाए हैं के बाबा सिरसा हरियाणा वाले आपके हर दुख दर्द को दूर करने के लिए अपने 5-स्टार आश्रम को छोड़कर आपके जंगल में पधार रहे। क्या बच्चे हैं ये? ये बच्चे हैं कि हमारे बाप हैं? बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। इतने सारे लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे हमको तो कहीं छुप जाना चाहिए, वरना ये तो हमारी हालत खराब कर देंगे। ठीक है बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। तुम वहां देखो, मैं वहां देखते हैं। ये रे बाबा, बाबा ये रे मम्मी के इधर किधर किधर लिया लिया बाबा की जय हो। अरे क्या क्या परेशानी है, क्या परेशानी है बाबा? मेरी बीवी को मेरी लाइफ से निकाली है बाबा, मेरी बीवी से मुझे बचाइए बाबा, मेरी बीवी को गायब कर दो बाबा। परिक्रमा ऐसा लग रहा है जैसे 11 फुटबॉल प्लेयर एक साथ एक ही फुटबॉल को किक मार रहे हैं और वो फुटबॉल हम है। अगर एक पल में तुम लोग यहाँ से गायब नहीं हुई ना तो हम ऐसा श्राप देंगे कि तुम लोग भस्म हो जाओगे। चलो भागो यहाँ से। अरे बाप रे, ओ अगर ऐसे 2-4 दिन और चलता रहा तो हमारा हाल भी इस खंडर की तरह हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं घर लौट चलिए, चलिए चलिए। अरे जाना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, जब तक लड़की लोग मोहल्ले वालों से माफी नहीं मांगती, हम किस मुंह से जाएं? चलो जल्दी। क्या है तुम लोग यहाँ फिर से काहे आ गए हो? हाँ, क्योंकि हम लोगों ने यो डिसाइड किया से कि जब तक आप हमारे साथ घर नहीं चलेंगे तब तक हम भी यहीं रहेंगे। हाँ। अरे हाँ, अच्छा तो
वो जो लोग अभी भी आए थे वो भी तुम लोगों के भेजे हुए थे क्या? पर आप वो सब छोड़िए बापू, मारी एक बात सुन लो, अगर आप हमारे साथ घर नहीं चले तो मैं अंडरवर्ल्ड में यो बात फैला दूंगा कि आप पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए लोगों को ताबीज दे वैसे, और फिर दुनिया भर के गुंडे आपके पैर दबाने लग जाएंगे। फिर आप उनसे अपना पीछा भी नहीं छुड़वा पाएंगे, समझे? चुप करो तुम लोग, चाहे जो कुछ भी कर लो लेकिन हम घर वापस नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अभी भी तुम लोगों ने मोहल्ले वालों से अपनी गलती की माफी नहीं मांगी। ओके आनंद बाबू, आनंद रहने का दुखी होने का टाइम खत्म। ये चौकरा लोग पूरे एरिया से माफी मांग, और हम भी बड़ा दिल करके ये चौकरे लोगों को माफ किया। आई हाँ, सच में? अरे बिल्कुल सच है जी। अरे फिर तो हमारे घर वापसी का पूरा श्रेय हमारे परम पूज्य मित्र, हमारे पड़ोसी श्री गुंडू स्वामी को जाता है। नाम करेक्ट लेने का जी, बाकी कुछ समझने का। Ha 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 ha